तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, एक समय ऐसा था जबकि संपूर्ण धरती ही जंगलों और समुद्र से ढकी हुई थी। मानव की आबादी बढ़ने के साथ ही पेड़ कटने लगे और जंगल का क्षेत्र भी सीमित होने लगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज भी धरती के 50% से अधिक हिस्से पर जंगल और जंगली पशुओं का राज है। और यदि आप एडवेंचर को पसंद करते हैं और जोखिम उठाने का शौक रखते हैं, तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जंगलों में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुनिया के सबसे 5 खतरनाक जंगलों के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है टोंगास फॉरेस्ट। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जंगल 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी श्रीलंका से भी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र इसने घेर रखा है। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में फैले इस जंगल में असंख्य पशु पक्षी और ख़तरनाक जानवर रहते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आदिवासियों के लगभग 32 समूह है। इसमें 75,500 से भी ज़्यादा लोग निवास करते हैं, जिनसे बचकर रहना जरूरी है। खतरों और रोमांच से भरे इस जंगल को देखने के लिए दर वर्ष 1 करोड़ से भी ज़्यादा पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है वर्ल्डिविडियन फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका में लगभग 2,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष लगातार बारिश होती रहती है। बारिश के कारण यह जंगल जहाँ लाखों कीड़े मकोड़ों का घर बन गया है, वहीं यहाँ के जंगल घने हो चले हैं। लगातार बारिश के कारण वृक्षों पर की काई उगाई है। इस जंगल में 122 से भी ज़्यादा अधिक दुर्लभ प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त होने वाली है। यह जंगल मुख्य रूप से चिली और अर्जेंटीना का हिस्सा है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पर आता है कांगो फॉरेस्ट। यह तो आप जानते हैं कि अफ्रीका तो जंगलों का ही महाद्वीप है, लेकिन उसमें की कांगो तो बहुत ही भयानक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 20,23,428 वर्ग किलोमीटर में यह फैले इस जंगल में 10,000 से भी अधिक प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कांगो जंगल आकार में जितना विशाल है उतना ही डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर 1,000 से भी ज़्यादा प्रकार के पक्षी और 500 से भी ज़्यादा प्रकार के स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। खास बात यह है कि कांगो जंगल से होकर बहने वाली नदी में 500 से भी ज़्यादा प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है, जिसमें पिराना नाम की मछली किसी भी इंसान को मिनटों में ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 2रे नंबर पर आता है अमेजोन फॉरेस्ट। लगभग 70,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को जंगलों का राजा और जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला आदि देशों में फैला यह जंगल करोड़ों पक्षियों और खूंखार जानवरों का घर है। अमेजन के जंगलों में अमेजोन नदी भी मौजूद है। कहते हैं कि यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी रहता है। इस जंगल में बगैर सुरक्षा के घूमना मौत को दावत देना जैसा है, क्योंकि यह जंगल इंसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो दोस्तों, अब हमारे पहले तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारी यहाँ पर ही पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।